दिल्ली में बाहुबली पार्ट 2 का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, जिसमें ये साफ पता चलता है कि राजमाता शिवगामी ने ही कटप्पा को ये आदेश दिया था कि वो बाहुबली को मार दे। वीडियो में भल्लाल देव और बिज्जल देव भी नजर आ रहे हैं, जो इस साजिश का हिस्सा है। बता दें कि डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की ये फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी और फिल्म ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोर्सेज के मुताबिक बाहुबली ने इंडिया में पिछले 3 दिन में करीब 335 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक्टर विनोद खन्ना की डेथ सबके लिए दुखद खबर थी। जब राजनीति में आए थे तो दिल से चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच अमन कायम हो। इन दिनों उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। 27 अप्रैल को शेयर किया ये वीडियो ट्विटर पर अब कई बार शेयर किया जा चुका है। वीडियो में विनोद खन्ना और रेखा आबिदा परवीन के एक लाइव परफॉर्मेंस में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में विनोद खन्ना और इमरान खान भी डांस करते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने विनोद खन्ना की डेथ पर सोशल मीडिया पर शोक जताया था। इमरान खान ने लिखा था कि 1979 में विनोद खन्ना एक बार शौकत खानम अस्पताल के चैरिटी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाहौर आए थे। ये वीडियो इसी प्रोग्राम का है। बाहुबली फेम भल्लाल देव इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म में राणा दग्गुबाती मस्कुलर लुक में दिखाई दिए हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी वो कुछ कम स्ट्रॉन्ग नहीं है। दरअसल हाल ही में राणा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें सीधी आंख से दिखाई नहीं देता है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो एक आंख से अंधे हैं। राणा हाल ही में एक मोटिवेशनल तेलुगु चैट शो में पहुंचे थे, जहां राणा ने ये खुलासा करते हुए कहा, क्या मैं आप लोगों को एक बात बताऊं? मैं सीधी आंख से अंधा हूं। मैं सिर्फ अपनी लेफ्ट आंख से ही देख सकता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे मरने के बाद बचपन में आंख डोनेट की थी, लेकिन उसमें रोशनी कभी नहीं आई। मैं अगर अपनी लेफ्ट आंख बंद कर लूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। राणा ने आगे बताया, जब मैं छोटा था तो डॉक्टर एलवी प्रसाद ने मेरा ऑपरेशन किया था। उन्होंने कहा था अच्छी पढ़ाई करूं, सब मेरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मुझे हौसला बनाए रखने के लिए कहा और बोले कि मुझे बाकियों का भी ध्यान रखना है। एक्ट्रेस रिया सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं। इनमें से एक फोटो में वो टॉपलेस नजर आ रही हैं। फिल्म स्टाइल से डेब्यू करने वाली रिया फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई हिट फिल्म नहीं दी है। काफी टाइम से सिल्वर स्क्रीन से गायब रही रिया ने फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फोटोज शेयर की हैं। उनके द्वारा शेयर की गई टॉपलेस फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। रिया इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में काजोल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बीफ का स्वाद ले रही हैं। Hey guys, so we're at Ryan's pop-up lunch. As you know, my very sweet friend Ryan, and we're going to see something that he has made. Go! Woo-hoo! And I didn't fall. इसके बाद से ही इन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि काजोल ने सफाई देते हुए कहा है कि वो डिश गाय के मीट की नहीं बल्कि भैंस के मीट की थी। मैं ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर है और लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकती है, जो मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं काजोल के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक भी डिश में सर्व किया गया मीट भैंस का ही बताया गया है। Ryan, come here. Explain what that was, because everybody wants to know. That's the beef pep water with dry lentils and dry beef. Okay. And we're going to cut his hands off after this. Okay. Bye-bye. Thank you. बता दें कि वीडियो काजोल ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन ट्रोल किए जाने के चलते उन्होंने इसे हटा दिया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।